तर आम्हाला गद्दार मानताना मग आम्ही ते रोज आमच्या कार्यालयामध्ये या साहेबांनी आम्हाला गद्दार मानलं नमस्कार असं करून तर बसू शकत नाही ना। आम्ही आतापर्यंत तुमच्या विरोधात आजही बोलायची आमची मानसिकता नाहीये। मागच्या वेळेला सुद्धा मी सांगितलं की आम्हाला एक लिमिट सोडून बोलायला लावू नका, कारण की शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादानं त्यांच्या उपकारानं त्यांच्या पुण्याने आम्ही आमदार झाले। एक दुजेचं मंत्रिमंडळ हे तरी चांगलंय, नाही तर पहिल्याचं मंत्रिमंडळ असं होतं की अकेले हम अकेले तुम, एक मुख्यमंत्री तिकडे वर्षावर दुसरा मुख्यमंत्री इकडे, कोणी कोणाला भेटत नव्हतं। हे चल रही थी ये एक दिन में जाके उनको उठा के जेल में नहीं डाला गया, उनके 5-6 बार उनको नोटिस दी गई, एक बार वो प्रेजेंट रहे, 4 बार एब्सेंट रहे। वो बड़े कायदे तज्ञ हैं, बड़े बहुत होशियार लेखनी चलाते हैं, कलम चलाते हैं। उनको लगा अब मेरा कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई एजेंसी जब चौकसी करती है, इंक्वायरी जब करती है, तो पूरे सबूतों के साथ करती है। कल भी आपने देखा होगा, परसों दिन भी देखा होगा, 7 बजे से शाम तक उनके पास जाके पूरी चौकसी की। ऐसा नहीं कि गए और 5 मिनट के बाद उनको उन्होंने अरेस्ट किया है। बाद में उनको उनके कार्यालय में, ईडी के कार्यालय में लेके जाने के बाद भी रात में उनको अटक किए गए। उनके जो प्रूफ ईडी ने जो उनके सामने रखे थे उनमें तथ्य है, इसलिए उसकी चिंता नहीं है। अब जो भी कार्रवाई होगी वो ईडी के माध्यम से होगी। उनके वकील भी वहाँ भी आज भी चौकसी चल रही वहाँ है, लेकिन संजय राउत जो खत्म किया है शिवसेना के में जो 2 गुट आज जो दिख रहे हैं वो संजय राउत उसके लिए जवाबदार है। उन्होंने ये राष्ट्रवादी के लिए भी सुपेरी है, ये हम बार बार कहते हैं कि राष्ट्रवादी की सुपेरी लेके संजय राउत ने शिवसेना खत्म करने का काम किया। हमारा जो विरोध था वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी को था, लेकिन उनके सपोर्ट में ये थे। आज आपने देखा होगा कि शरद पवार जैसे ज्येष्ठ नेता ने भी उनके बारे में लफ्ज तक नहीं कहा। उनको पता है ये एक प्यादा था, इसका मैंने यूज कर लिया है, अब इसका काम खत्म हो गया है। ऐसे बहुत सारे पायदे शरद पवार साहब के पास है, एक पायदे का काम खत्म हो गया, उसको निकाल के बाजू में डाल दिया, इसलिए उन्होंने एक भी उसके बारे में रिएक्शन दी नहीं।